फ्रेंड्स, अगर आपके कार का गियर ऑयल लीकेज है और वो एक्सल सील में से है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सल सील कैसे चेंज करते हैं। तो चलो देखते हैं वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर, मयूर मोटर्स बायड़। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्विफ्ट पेट्रोल कार है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि गियर ऑयल लीकेज है। तो आपको बताता हूँ कि गियर ऑयल कहाँ से लीकेज है और क्या काम करने वाला हूँ मैं। इसके अंदर वो एक्सल का जो सील आसा है ऐसा वो डालने वाला हूँ। यहाँ से गियर ऑयल लीकेज है, ये गियर में से, ये सील नया डालने वाला हूँ, तो बताता हूँ, ठीक है आपको। स्विफ्ट पेट्रोल गियर एक्सल सील डालने वाला हूँ। इसके लिए मैंने पूरा ये 19 का 4 बोल्ट निकाल कर व्हील निकाल लिया है। इस तरफ का मैंने डाल दिया है एक्सल ऑयल सील, उस तरफ का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये 32 का नट होता है, हमें निकालना रहता है 30 का। आप देख सकते हो कहाँ से लीकेज और कैसे, ये सब भीगा भीगा आपको दिखाई देता है ना। यहाँ से सील लीकेज हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो ये सब लीकेज है। इस तरफ का मैंने सील डाल दिया है, आपको शायद दिखाई देता हूँ, अंदर मैंने पोंछ के रखा है। यहाँ ड्रेन बोल्ट है, यहाँ से गियर ऑयल निकाल लिया हूँ मैं पूरा, और यहाँ पे फिलर है, यहाँ से डालने का लोकेशन है। ये सील मैंने डाल दिया इस तरफ का, अब मैं डालने वाला हूँ ये वाला। अब देख सकते हो ये पूरा भीगा है, यहाँ पे आप बूंद भी देख सकते हो, ये गियर ऑयल का ड्रॉप है, उंगली में कुछ नहीं है मेरे। तो ये भी सील में डालने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ पूरा। तो सबसे पहले हमें ऑयल निकाल देना चाहिए, और मैंने इस तरफ का ऑयल सील भी डाल दिया है, ठीक है। ये 30 का नट भी हमें कसना चाहिए, इस तरफ में डालने वाला हूँ एक्सल सील। ये 30 का नट मैंने निकाल लिया है, ये 4 बोल्ट खोल लिया है, तो ये हमारा व्हील निकल गया। इसके लिए अब सबसे पहले मैं करने वाला हूँ इसका 17 नंबर का 2 कैलिपर के बोल्ट, कैलिपर निकाल दूंगा बाहर। कैलिपर निकालने के बाहर ये 17 का जम्पर का 2 बोल्ट निकाल दूंगा, और ये 12 का पाइप का, तो हमारा ऐसे मुड़ जाएगा। बाद में मैं एक्सल निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं एक्सल निकाल लिया हूँ, हमें 17 के 2 कैलिपर के ये बोल्ट निकालने रहते हैं, तो ये कैलिपर हमारा निकल जाता है। जम्पर के 2 बोल्ट रहते हैं 17 के, वो भी हम निकाल देते हैं, तो हमारा जम्पर लूज हो जाएगा। तो हमें एक्सल यहाँ से निकाल देना है वापस, अब हमारा एक्सल फ्री हो गया है। अंदर जाके मैं डिसमिस से इसे छटका लूंगा, तो एक्सल हमारा बाहर आ जाएगा। बाद में मैं ये ऑयल सील नया वाला डाल दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा ऑयल सील चला गया है, यहाँ से ऑयल लीकेज है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे छटकाने वाला हूँ, हमें इसे बढ़िया पेच या डिसमिस जो बोलते हैं उससे निकालना रहता है यहाँ से फंसा के, ठीक है। मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाथ से जोर लगाना है, अकेले से नहीं हो पाएगा। इस तरह से मैं दिखा दिया आपको, हम निकाल लेते हैं जोर लगा के एक्सल को, ठीक है, बाद में एक्सल सील बैठेंगे। मैं एक्सल निकाल दिया हूँ फ्रेंड्स, अब देख सकते हो ये पूरा हिल रहा है अपना एक्सल, मैं निकाल लिया। तो इसे जस्ट हमें खींचना ही रहता है बाहर की तरफ, तो हमारा एक्सल निकल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा सील चला गया हुआ है, तो मैं सील नया डालने वाला हूँ, ये पूरा एक्सल हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये नया वाला सील है हमारा, यहाँ पे ऐसे बैठता है ये, इस जगह पे बैठेगा और एक्सल घूमेगा तो ऑयल बाहर नहीं आएगा। मैं डालने वाला हूँ नया, ठीक है फ्रेंड्स। ये नया वाला सील है, ये पुराना वाला है, ये टूट भी गया है और ये हार्ड हो जाता है। ये पार्ट है ना जो बीच में वाला, वहां पे स्प्रिंग रहती है, वो हार्ड हो जाएगा रबर, तो इस जगह को छू के नहीं चलेगा, तो क्या हमारा ऑयल बीच में से निकल जाएगा। एकदम परफेक्ट छू के चलना चाहिए, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो ग्रिप छोड़ देगा अपनी। तो मैं एक्सल सील ये स्विफ्ट पेट्रोल गियर बॉक्स का डालने वाला हूँ। हर कोई गियर बॉक्स में ऐसा ही आता है, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। तो ये नया वाला है, पुराना वाला मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो करते हैं न्यू स्विफ्ट एक्सल सील
गियर का बिठा दिया है मैंने कंप्लीट, आप देख सकते हो परफेक्ट है। अब डालने वाला है एक्सल, बिठा दिया है कंप्लीट, ये पुराना वाला है, दोनों तरफ मैंने बिठा दिया है, इसको भी बिठा देंगे। अब एक्सल बिठा दिया हूँ फ्रेंड मैं, अंदर आप देख सकते हो परफेक्ट है ये एक्सल, सील डाल दिया है, इसे जस्ट हमें अंदर उठाना ही रहता है इसके अंदर। अब यहाँ पे पीस का नट लग जाएगा ये वाला, आराम से। और ये 17 नंबर का बोल्ट है और यहाँ का जंपर का है, ये बिठा दिया हूँ मैं, ये नट भी बैठ जाएगा इधर। यहाँ पे दो कैलिपर का बोल्ट लगेगा 17 का, ये वाला जो कैलिपर है अपना, ये कैलिपर यहाँ पे लग जाएगा, इसके दो बोल्ट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगा देते हैं। फ्रेंड्स ये गियर ऑयल मैं डाल दिया हूँ गाड़ी के अंदर, SCW 19 होता है, SCW 90 जो 2.25 आता है, 2.25 लीटर जो मैं डाल दिया हूँ। फ्रेंड्स ये है ऑयल डालने की जगह, यहाँ स्पेशल टूल्स लगता है, यहाँ से ऑयल हम डाल सकते हैं और उसका गेज भी यही है, यहाँ से जब ऑयल निकलेगा तो हमें समझ जाना है हमारा गियर का ऑयल टॉप अप कंप्लीट हो गया है। और ये निकालने की जगह है, इसका स्पेशल टूल्स है ये लगता है। अब पुराना गियर ऑयल देख सकते हो एकदम बकवास है, एमरी वाला है, मैं नया डाल दिया हूँ, दो एक्सल सील डाल दिया हूँ इस तरफ का और ये वाला भी। अब देख सकते हो ये गियर बॉक्स का ओरिजिनल कलर है और यहाँ पे ऑयल आया हुआ है। तो क्या है, पहले गियर ऑयल लीकेज था, अब मैं सील डाल दिया हूँ और ऑयल भी डाल दिया हूँ, अब लीकेज है नहीं। फ्रेंड्स तो एक्सल सील डालना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ सब, ठीक है। फ्रेंड्स गियर बॉक्स के अंदर सिंक्रोमाइजर रिंग, बेयरिंग और गियर साथ है, उसको लुब्रिकेंट की जरूरत रहती है, इसलिए ऑयल गियर बॉक्स में होना चाहिए। और गियर ऑयल का लेवल कम रहेगा या नहीं रहेगा तो आवाज़ करेगा गियर हमारा पूरी तरह से, और गियर स्विफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, सब जाम हो जाएगा और टूट जाएगी बेयरिंग वगैरह, इसके लिए गियर ऑयल रहना जरूरी है कार के अंदर, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।